हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुचिका चुग। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कंसिस्टेंसी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये कंसिस्टेंसी हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ी है, जहाँ पे हमने लीनियर इक्वेशन की वैल्यू को सॉल्व किया था ग्राफिकल मेथड से। जब हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं, तब हमारे जो लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म बनता है, जो हम उसको शो करते हैं ग्राफ के फॉर्म में, अगर दो इक्वेशन है तो वो दो लाइन्स होंगी। वो दो लाइन्स या तो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, या वो दो लाइन नॉन पैरेलल होंगी। नॉन पैरेलल लाइन्स को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग। तो अगर वो पैरेलल लाइन है, तो हमने पढ़ा है कि उस पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और अगर लाइन इंटरसेक्ट कर जाती है तो वहाँ पे हमें मिलता है वन सॉल्यूशन। जब पैरेलल होते हो तो हमें क्या होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। और कई बार क्या होती है, ग्राफ बनाते टाइम हमें लाइंस जो हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप करते हुए मिलती हैं, उनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और वहाँ पर सॉल्यूशन होता है, और वहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो मिलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये सब हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और जब हमारी पैरेलल लाइंस होंगी, जब हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो उस केस में इक्वेशन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। अगर वो लाइंस इंटरसेक्ट हो जाती हैं तो उन्हें हम बोलेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन। अगर लाइंस एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी, कोइंसिडेंट होगी, तो उन्हें हम बोलेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन। मतलब इक्वेशन कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के बाद देखना होगा कि क्या वो पैरेलल हैं, क्या वो इंटरसेक्टिंग है, या क्या वो कोइंसिडेंट है। बट ये मेथड काफ़ी लंबा मेथड है, तो आज हम इस मेथड को पीछे छोड़ते हुए एक नया मेथड डिस्कस करेंगे। वो मेथड हमारा शॉर्टकट होगा लीनियर इक्वेशन को चेक करने के लिए कि क्या वो कंसिस्टेंट हैं, कि क्या वो इनकंसिस्टेंट है, क्या वो हमें सॉल्यूशन देंगी, कि क्या वो हमें सॉल्यूशन नहीं देंगी। तो वो मेथड क्या है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन आपको मालूम है, अगर दो लीनियर इक्वेशन हो जाती हैं टू वेरिएबल में, तो उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगी, हमें मालूम है, वो होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि दो इक्वेशन है तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जो हमारे कॉफिशेंट्स हैं, उनको हम ले लेंगे a1 b1 c1, और सेकेंड इक्वेशन में सेम वेरिएबल के साथ उन कॉफिशेंट को ले लेंगे हम a2 b2 c2। तो अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हैं टू वेरिएबल के साथ, तो बिना ग्राफ बनाए हम कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कि क्या इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, क्या हमें सॉल्यूशन मिलेंगे, कि क्या हमें सॉल्यूशन बहुत सारे मिलेंगे, कि क्या हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। वो मेथड क्या है, वो इस फ्लो चार्ट में मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि लीनियर इक्वेशन दो तरह की होंगी, या तो वो कंसिस्टेंट होंगी या फिर वो इनकंसिस्टेंट होंगी। वो कंसिस्टेंट कब होगी, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे या फिर जब लाइन कोइंसिडेंट करेंगे। जब इंटरसेक्ट करेंगे तो उसका एक यूनिक सोल्यूशन निकलेगा, जब वो कोइंसिडेंट होगी तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस देंगे। अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो किस केस में होगा, जब लाइंस पैरेलल होंगी। बट उस मेथड में जो शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट है ये रिलेशन के साथ। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है a1 by a2 not equal to b1 by b2। a1 क्या है, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का x का कॉफिशेंट है। a2 क्या है, सेकेंड लीनियर इक्वेशन का x का कॉफिशेंट है। उसको हम रेशो के फॉर्म में लिखेंगे a1 by a2। ये अगर b1 by b2 से इक्वल नहीं आता, b1 b2 क्या है, y के वेरिएबल है फर्स्ट इक्वेशन के और सेकेंड इक्वेशन के, अगर ये रिलेशन इक्वल नहीं आता, तो बिना ग्राफ बनाए हम ये बता सकते हैं कि लाइन जो है इंटरसेक्ट करने वाली हैं, और वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हमेशा सोल्यूशन देती है। अगर हमारा a1 by a2 और b1 by b2 का रेशो आपस में इक्वल हो जाता है, लेकिन c1 by c2 क्या है, कांस्टेंट का रेशो, अगर वो आपस में इक्वल नहीं होगा, मतलब फर्स्ट रेशो इक्वल है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2, लेकिन अगर वो c1 by c2 के इक्वल नहीं है, तो उस केस में हम डेफिनेटली बिना ड्रॉ किए बता सकते हैं कि दोनों का ग्राफ पैरेलल होगा, और पैरेलल लाइंस हमें कोई सॉल्यूशन नहीं देती है। नेक्स्ट, अगर हम केस की बात करें कि a1 by a2 b1 by b2 के भी इक्वल है, और साथ के साथ c1 by c2 के भी इक्वल है, तो उस केस में वो जो दोनों लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट हो जाएंगे, और कोइंसिडेंट लाइंस हमें क्या करती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देती है। तो ये जो यहाँ पे फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे हैं, इन फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करके ईजिली बता सकते हैं बिना ग्राफ बनाए कि लाइन हमारी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, कि हमें सॉल्यूशन मिलेगा या बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे या कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं।
एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन बिना ग्राफ बनाए हम बता सकते हैं कि ये हमें सॉल्यूशन देंगी या नहीं देंगी? हमें क्या करना होगा, इसके कॉफिशेंट लेना होगा। x का कॉफिशेंट यहाँ पे फर्स्ट के लिए मैं ले लेती हूँ a1, और यहाँ पे x का कॉफिशेंट सेकेंड इक्वेशन के लिए ले लेती हूँ a2। तो a1 की वैल्यू क्या है, x के साथ जो कॉफिशेंट है वो क्या है 5, और सेकेंड इक्वेशन में x के साथ अगर कुछ नहीं है तो हम लेते हैं उसको 1। सेम मैं यहाँ पे b1 और b2 भी निकाल लेती हूँ। b1 b2 क्या है, y के कॉफिशेंट। b1 है फर्स्ट इक्वेशन में y का कॉफिशेंट, b2 क्या है सेकेंड इक्वेशन में y का कॉफिशेंट। तो b1 क्या होगा, यहाँ पे b1 होगा y के आगे कुछ नहीं है 1, क्योंकि साइन माइनस है तो हम यहाँ लिखेंगे -1, और b2 यहाँ पर क्या है अगेन -1। अब हमें क्या करना है, इनके रेशियोज़ निकालने। रेशियोज़ क्या होंगे, a1 बाय a2 एंड b1 बाय b2। a1 कितना था 5, a2 1, b1 कितना है -1, और b2 भी कितना है -1। ये -1 पूरा कैंसिल होके 1 मिलेगा, और ये 5। क्या ये रिलेशन आपस में इक्वल है, ये रिलेशन आपस में इक्वल नहीं है। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस डेफिनेटली क्या है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट के साथ साथ ये हमें क्या देंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस देंगी, जिनका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब ये डेफिनेटली हमें सॉल्यूशन देने वाली है। कंसेप्ट हमने क्या लगाया, व्हेन a1 बाय a2 हियर इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तो उस केस में बिना ग्राफ बनाए हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। और एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर हम सेकेंड एग्जांपल है 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है सेकेंड क्वेश्चन में, और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर से हम रिपीट करेंगे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू को निकाल के। तो चेक करते हैं कैसे निकालते हैं। a1 यहाँ पे कितना होगा, a1 होगा फर्स्ट इक्वेशन में x का कॉफिशेंट, वो है 3। a2 सेकेंड इक्वेशन में x का कॉफिशेंट, वो है 3। b1 b2 b1 कितना है, b1 है y का कॉफिशेंट फर्स्ट इक्वेशन में जिसकी वैल्यू है 2, और b2 है सेकेंड इक्वेशन में y का कॉफिशेंट जिसकी वैल्यू है 2। अगर मैं इनके रेशियो को कैलकुलेट करूँ, a1 बाय a2 b1 बाय b2, तो a1 बाय a2 क्या है 3 बाय 3, b1 बाय b2 क्या है 2 बाय 2। तो अगर हम इनको कैलकुलेट करें, ये कैंसिल हो जाएगा 1 1, ये कैंसिल हो जाएगा 1 1। इसका मतलब क्या हुआ, a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल है। जब ऐसी इक्वालिटी आ जाती है हम कंक्लूजन नहीं देंगे, हम फिर जाएंगे थर्ड रेशो के पास। थर्ड रेशो क्या है, कांस्टेंट का रेशो है। मतलब हम यहाँ पर c1 और c2 की वैल्यू निकालेंगे। पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करें तो हमने c1 और c2 की वैल्यू नहीं निकाली थी, क्योंकि हमें पहले से ही इन इक्वालिटी मिल गई थी। अगर इन इक्वालिटी आपको मिल जाती है तो आप c1 c2 की वैल्यू को नहीं निकालेंगे। अगर इक्वालिटी मिल जाती है तो c1 c2 चेक करेंगे। तो c1 क्या है, यहाँ पे c1 मतलब कांस्टेंट फर्स्ट इक्वेशन का, और c2 क्या है कांस्टेंट सेकंड इक्वेशन का, वो क्या है 1। तो c1 बाय c2 निकालें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -4 बाय 1। तो क्या ये इनके इक्वल है, ये इनके इक्वल नहीं है, ये इनके इक्वल नहीं है। तो जब ऐसा सिचुएशन मिल जाती है तो उस केस में हमारी ये जो लाइंस हैं वो डेफिनेटली पैरेलल लाइंस बनेंगी, और पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट होती है, जो हमें सॉल्यूशन नहीं देती है। आगे कुछ और क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने की बात करें तो कैसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। सेम यहाँ पर 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, फिर से प्रोसेस को रिपीट करेंगे। a1 a2 a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में y का कॉफिशेंट जो कि है 3, b2 क्या है सेकंड इक्वेशन में y का कॉफिशेंट जो कि है 6। अब इन्हें अगर हम रेशो के फॉर्म में लिखें, a1 बाय a2 एंड b1 बाय b2,
चेक करते हैं कि क्या वो इक्वल है या नहीं है। ए वन बाय ए टू मतलब 2/4, बी वन बाय बी टू मतलब 3/6। अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये क्या होगा, 1/2। इसको अगर हम सॉल्व करें ये भी हो गया 1/2, मतलब ये हमें इक्वल मिल चुका है। इसका क्या मतलब हुआ, ए वन बाय ए टू इक्वल है बी वन बाय बी टू। अगर इक्वालिटी आ जाती है तो हम सी की तरफ जाते हैं और सी को भी चेक करेंगे, सी के रेशियो सी वन बाय सी टू चेक करेंगे। तो सी वन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का कॉफिशियंट जो कि है -6, सी टू क्या है सेकेंड इक्वेशन का कॉफिशियंट जो कि है सेकेंड इक्वेशन का कॉन्स्टेंट जो है -24। तो क्या होगा, सी वन बाय सी टू, सी वन है -6 और सी टू है -24। अगर हम इसे कैंसिल करें तो ये मिलेगा 1/4। तो क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा केस हुआ जहाँ पे ए वन बाय ए टू बी वन बाय बी टू से इक्वल होता है और सी वन बाय सी टू से इक्वल नहीं होता। ये केस होता है पैरेलल लाइंस का जो हमें कोई सोल्यूशन नहीं देगा। कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर, इन दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या हमें मिलता है, कंसिस्टेंट मिलता है या इनकंसिस्टेंट मिलता है। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। सबसे पहले इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, वो होगी x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी 2x प्लस 3y -7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम वैल्यू निकालते हैं जो भी वेरिएबल हैं या कॉन्स्टेंट टर्म है उनके कॉफिशेंट के। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और a2 की वैल्यू हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन में x का जो कॉफिशेंट है वो 2 है। b1 की वैल्यू मतलब फर्स्ट इक्वेशन में y का कॉफिशेंट जो कि है 2, b2 की वैल्यू जो कि सेकेंड इक्वेशन में y का कॉफिशेंट जो हमें देगा 3। इनके रेशियो की अगर हम बात करें मतलब a1 बाय a2 एंड b1 बाय b2, a1 कितना है 1 और a2 है 2, b1 है 2 और b2 है 3। तो इनके रेशियो को अगर कंपेयर किया जाए तो ये रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, मतलब a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल नहीं है। तो हम वहाँ पर c1 बाय c2 कैलकुलेट नहीं करेंगे और यहीं से क्लियर हो जाएगा कि अगर हमारा a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल नहीं है तो वो हमारी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंसिस्टेंट होंगी। और अगर इसे ड्रॉ करेंगे हम ग्राफिकली तो ये लाइंस इंटरसेक्ट होकर हमें एक यूनिक सॉल्यूशन देंगे। तो ये दोनों इक्वेशन हमारी क्या हैं, कंसिस्टेंट मानी जाएंगी और जो लाइंस बनेंगी वो बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। 3x प्लस 4y प्लus 5 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस 8y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड में हैं। डायरेक्ट हम चेक करते हैं कि क्या ये कंसिस्टेंट होंगी या नहीं होगी। उससे पहले हम लिखेंगे वैल्यू a1 a2 की b1 b2 की। a1 की वैल्यू मतलब फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ 3, a2 मतलब सेकेंड इक्वेशन में x के साथ वो क्या है 6, b1 फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ वो है 4 और b2 सेकेंड इक्वेशन में y के साथ वो है 8। इनका रेशियो अगर हम चेक करें a1 बाय a2 एंड b1 बाय b2, a1 कितना है 3 अपॉन a2 है 6, b1 है 4, b2 है 8। सॉल्व करेंगे तो ये हमें देगा 1/2, ये हमें देगा 1/2 और 1/2 आपस में इक्वल है, मतलब a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2। जब इक्वालिटी आएगी तब हम कांस्टेंट का रेशियो भी चेक करेंगे। चेक करते हैं c1 c2 क्या है। c1 है कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन मतलब 5, c2 है कांस्टेंट ऑफ सेकंड इक्वेशन मतलब 10। तो यहाँ पे c1 बाय c2 का रिलेशन चेक करें, इसका जो रेशियो आ रहा है 5/10। 5/10 को अगर हम सॉल्व करें 1/2, यहाँ पर ये सारे रेशो आपस में इक्वल हैं। जब सारे रेशो आपस में इक्वल होते हैं और इन लाइंस को अगर हम ड्रॉ करें, ये लाइंस ओवरलैप लाइंस होती हैं, को इंसिडेंट लाइंस होती हैं और को इंसिडेंट लाइन हमेशा हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देती हैं। तो एक बार समराइज करें, ये हमारा फर्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशन थी। जब हमने इसे सॉल्व किया था हमें वो सॉल्व करके मिला था a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। वो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो हमें देता है यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड एग्जांपल में हमने पढ़ा था
पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन, वो इनकंसिस्टेंट थी। वो क्यों थी? क्योंकि जब हम उसे कैलकुलेट कर रहे थे तब हमें मिला था a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2, उस केस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। थर्ड, जब एग्जांपल हमने स्टडी किया था तो हमें वो पैरेलल लाइंस मिला था। पैरेलल लाइंस कोई सॉल्यूशन नहीं देता, लाइंस होते इनकंसिस्टेंट। क्यों हुआ था ऐसे? क्योंकि हमें मिला था a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। फोर्थ एग्जाम्पल में हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिली थी जो यूनिक सॉल्यूशन देती हैं, वो कंसिस्टेंट होती हैं। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि सॉल्व करते टाइम हमें मिला था a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। जब नॉट इक्वलिटी आते तब हम c1 by c2 का रेशो नहीं लेते। और लास्ट एग्जाम्पल में हमें मिला था कोइंसिडेंट लाइंस जो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देती हैं और वो कंसिस्टेंट होती है। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि हमें a1 by a2 इक्वल मिला था b1 by b2 से और वो फर्दर इक्वल मिला था c1 by c2 से। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, एक बार कंक्लूजन देखते हैं कि हमें जब पेयर ऑफ लाइंस मिलती हैं, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल अगर हमें मिल जाते हैं, दो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम बात करें तो वो होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड को हम कंसीडर कर सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इनके रेशो a1 by a2 अगर नॉट इक्वल b1 by b2 होते हैं तो थर्ड हम रेशो कंसीडर नहीं करते। वो लाइंस बिना ड्रॉ किए हम बता सकते हैं कि वो इंटरसेक्ट करेंगी, जो हमें क्या देंगी, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन। अगर हमारा केस आता है कि सारी इक्वालिटी हमें मिल जाती है तो वो कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी, बिना ड्रॉ किए हम बता सकते हैं। और वो लाइंस क्या मानी जाएंगी? वो हमें देंगी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और हमारा a1 by a2 अगर इक्वल हो जाता है b1 by b2 लेकिन नॉट इक्वल हो जाता है c1 by c2, वो लाइंस बिना ड्रॉ किए हम बता सकते हैं, पैरेलल लाइंस होंगी और वो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं देंगे। और अगर सॉल्यूशन मिलता है, चाहे वो इंटरसेक्टिंग हो या हमारी कोइंसिडेंट हो, अगर हमें सॉल्यूशन मिलता है, चाहे वन मिले या काफ़ी सारे मिले, ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। और अगर हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता, ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ रही हूँ। ये क्वेश्चन हमारे इन्हीं सिचुएशन पे बेस्ड हैं कि हमारा a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 से क्या रिलेशन है, उनमें ये वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके शो कर सकते हैं और कोई डाउट है वहाँ पर पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है? इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि लीनियर इक्वेशन जो हमें पेयर में मिल रही है, क्या वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, बिना ड्रॉ किए, बिना ग्राफ बनाए, तो वो हमने फॉर्मूला से यहाँ पे देख लिया। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर वो लाइंस कंसिस्टेंट है तो उनकी वैल्यूज कैसे निकालें। तब तक कीप रिवाइजिंग एंड सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस।